सो हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं स्काई चिल्ड्रन ऑफ द लाइट। एंड आज मैं खेल रहा हूँ लाइव। एंड ये जो लाइव है ना, ये मेरे iOS अकाउंट पे खेल रहा हूँ मैं। एंड जैसा देख सकते हो यहाँ पे पीछे पे देख सकते हो गर्मा गर्म ट्रैवलिंग स्पिरिट आई हुई है। एंड देख सकते हो ये वाली ट्रैवलिंग स्पिरिट हमारे होम स्पेस में, मतलब लॉबी वाले एरिया में आती है। एंड लाइक देख सकते हो इस तरह से खड़ी रहेगी बीच में। एंड देख सकते हो इसकी जो केप देख रहे हो किस तरीके से एकदम मज़ेदार वाली पैटर्न बन रखी है। एंड छोटे छोटे लाइट बल्ब पिंस के नीचे पे केप के नीचे झूल रहे हैं। एंड लाइक देख सकते हो गाइज, ये वाली जो ट्रैवलिंग स्पिरिट है ना, ये बहुत सारे हमें यहाँ पे अपनी कॉस्मेटिक्स यहाँ पे ऑफर करती है। लाइक आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हो, उसके जितने भी कॉस्मेटिक्स वगैरह आप खरीद सकते हो हार्ट से या कैंडल से। तो गाइज मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये ट्रैवलिंग स्पिरिट होता क्या है। तो देखो गाइज, यहाँ पे क्या है ना, सीजन वगैरह चलता रहता है हर ढाई ढाई महीने में। लाइक अभी आप जाकर देखोगे स्काई खेलोगे तो देखोगे यहाँ पे अभी सीजन ऑफ शैटरिंग का इवेंट चल रहा है, ठीक है। इसी तरह पास्ट में क्या होगा ना, बहुत सारे इवेंट वगैरह, बहुत सारे यहाँ पे सीज़न वगैरह आए होंगे पास्ट के टाइम पे। तो उन्हीं सीज़न में जितने भी सारे स्पिरिट्स वगैरह जो आते हैं ना, सीजनल स्पिरिट्स आते हैं, वही जब ओल्ड हो जाते हैं ना, एक साल डेढ़ साल छः महीना सात महीना जब हो जाते हैं, तो वो लोग ट्रैवलिंग स्पिरिट बन के आपकी होम लॉबी एरिया में आते हैं हर 14 दिन के बाद। तो देख सकते हो ये भी काफ़ी पुरानी स्पिरिट है, ये है आपकी लाइट सीकर की स्पिरिट, सीजन ऑफ लाइट सीकर की स्पिरिट है। तो देख सकते हो बहुत पहले आया हुआ था ये वाला जो सीजन था। एंड इसकी देख सकते हो अभी ट्रैवलिंग स्पिरिट बन के ये आई हुई है। एंड लाइक देख सकते हो गाइस, ये वाली जो स्पिरिट है ना, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इमोट प्रोवाइड करती है। लाइक देख सकते हो ये शुश वाला, तो देख सकते हो इस तरह से शुश वाला जो है ये इमोट हमें देती है ये वाली स्पिरिट। एंड उसके बाद गाइज आप देख लेते हैं कि ये हमें क्या क्या कौन कौन से कॉस्मेटिक्स यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। सो फटाफट जितने भी कॉस्मेटिक्स रहेंगे ना यहाँ पे, केप हो मास्क हो, वो सारे यहाँ पे हम लोग परचेस करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। तो फटाफट से एकदम खरीद लेते हैं। एंड देख सकते हो यहाँ पे सबसे नीचे तो इसका स्पेल ही होगा जो कि लेवल 1 का इमोट होता है। तो वो लेवल 1 का इमोट हमने ऑलरेडी अनलॉक कर रखा है, तो यहाँ पे एक फ्री स्पेल मिलेगा। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे लेवल 2 की इमोट है, जहाँ पे थोड़ी सी स्पेशल इफेक्ट के साथ में देखने को मिलेगी आपको। सो वो मैं नहीं ख़रीदा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा हार्ट्स नहीं है। एंड देख सकते हो एक फिर से एक स्पेल मिला है, जहाँ पे ऑब्वियसली ये जो स्पेल होते हैं ये रैंडम स्पेल होते हैं। खैर स्पेल का क्या काम है किसी और दिन बात करेंगे। एंड उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे जो मास्क है ना गाइस, इस वाली स्पिरिट की जो मास्क है वो 30 कैंडल्स पे मिल रही है। सो देख सकते हो अभी जो इतनी भी ट्रैवलिंग स्पिरिट है ना, इसकी सारे कॉस्मेटिक्स हम नॉर्मल कैंडल्स वगैरह से खरीद सकते हैं। कल को ये जब आई होगी पास्ट पे ट्रैवलिंग सीजनल स्पिरिट बन के, उस टाइम पे सीजन यूज़र्स ही सिर्फ इसको खरीद पाए होंगे, बाकी हमारे जैसे नॉर्मल यूज़र्स नहीं खरीद पाए होंगे। बट अब जब ये ट्रैवलिंग स्पिरिट बन के आ चुकी है तो हम लोग खरीद सकते हैं। वेल उसके बाद देख सकते हो ऊपर की जो लाइनअप दिख रही है ट्री की, उसको अनलॉक करने के लिए आपको एस्केंडेड कैंडल्स चाहिए होंगे, जो 2 कैंडल्स लगेंगे। मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। और ये वाली कैंडल्स ना एडन पे मिलती है, लास्ट वाले स्टेज पे मिलती है, या तो रेड शार्ट जो इवेंट चलता है 2 या 3 दिन में, वहाँ पे आप जाके इवेंट में पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ से 2-3 कैंडल्स मिलती है। ओके सो गाइज देख सकते हो ऊपर की लाइनअप यहाँ पे अनलॉक हो चुकी है। एंड यहाँ पर देख सकते हो गाइज लेवल 3 की हमें इमोट देखने को मिलती है, ये हम ले सकते हैं क्योंकि हमें ऊपर की भी लाइनअप्स को अनलॉक करना है। तो ये इसके लिए मैंने 3 हार्ट्स ऑलरेडी प्रिजर्व करके रखे हुए थे। एंड उसके बाद देख सकते हो गाइज यहाँ पे ना लेवल 4 की भी यहाँ पे इमोट दे रखी है, बट उसके लिए 6 हार्ट्स चाहिए। मेरे पास एकदम नहीं है हार्ट, अब ख़त्म हो चुका है। तो देख सकते हो मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से ये लेवल 6 की, पहले तो इसको हटाते हैं यार, एक सेकंड, सॉरी यार। ओके सो यहाँ पे देख सकते हो गाइज यहाँ पे जो लेवल 4 की जो यहाँ पे इमोट जो है ना, कुछ इस तरीके से है, वही लेवल 3 की है बट थोड़ी सी यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट के साथ में आती है। ऑल राइट सो एक बार और करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखो कुछ थोड़ी सी स्पेशल इफेक्ट के साथ में आती है। एंड उसके बाद गाइज अब यहाँ पे फिर से एक स्पेल है, ओके इसे स्पेल को अनलॉक करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे गाइज फाइनली जो है ना 65 कैंडल्स पे हम एकदम मस्त सा एकदम ब्यूटीफुल सा केप देखने को मिलता है। सो उसे भी फटाफट से यहाँ पे बाय करेंगे हम लोग। एंड ये वाली स्पेल तो हमें मिल गई, ओके सो इसके एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। वेल अब बारी है गाइस केप को अनलॉक करने की। अब मेरे पास इतने कैंडल्स है कि सारे कॉस्मेटिक्स परचेस कर सकते थे हम लोग। ओके सो यहाँ पे हमने सारे कॉस्मेटिक्स देखोगे गाइस तो यहाँ पे हमने सारे कॉस्मेटिक्स खरीद लिए हैं, बस सिर्फ स्पेशल इफेक्ट वाले इमोट्स को छोड़कर और हार्ट्स वगैरह छोड़कर, तो ये हमें लेने नहीं थे इसलिए हमने नहीं लिया है। ऑल राइट सो गाइज अब बारी है फटाफट से सारे कॉस्मेटिक्स को ट्राई करने की, देखने की पहन के भाई मतलब कैसा ही दिखता है। ओके सो फटाफट से जाते हैं अपने वार्डरोब में। एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइज
ये जो मास्क मैंने चीबी मास्क पहन रखा है, जैपनीज में चीबी बोलते हैं छोटे वाले नाटे मास्क को। ओके सो देख सकते हो गाइस ये वाला मास्क है, मतलब एकदम काले सा तिलक लगा कर रखा है। रुक जाए एक सेकंड, मैं इसको सबसे पहले हेयर स्टाइल चेंज करता हूँ, नॉर्मल सा हेयर स्टाइल लगाता हूँ यहाँ पे, ये वाला सही रहेगा। ओके सो गाइस देख सकते हो अभी जो मास्क दिख रहा है ना आपको, एकदम बड़े सा काले सा तिलक लगा कर रखा है, पत वाला टाइप का। ओके सो खैर ठीक है, ये मास्क कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट यहाँ पे सबसे बेस्ट जो कॉस्मेटिक्स है ना वो है इसकी केप। एंड एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, ये देखो गाइस मतलब क्या ही शानदार लग रही है, छोटी 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 लाइट बल्ब्स लगी हुई है नीचे पे, एंड इसके पैटर्न्स भी देखो मतलब ग्लो कर रहे हैं। सो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके से केप है, काफ़ी ब्यूटीफुल केप है ये वाली ट्रैवलिंग स्पिरिट जो ऑफर करती है हमें। एंड देख सकते हो कुछ उड़ने पे भी इस टाइप की इफेक्ट्स आती है, मतलब देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल सा लगता है देखने में। सो दैट्स इट फॉर इट गाइस, कैसी लगी ये ट्रैवलिंग स्पिरिट की गाइड वाली वीडियो प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आप स्काई खेलते हो और भी इंडिया से होती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक करना इसे मत भूलना। एंड मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड बाय।